हाय, दिस इज मन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, ऊपर के लेवल पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन आज अगर आप देखो, गैप अप ओपनिंग हुआ, 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने टेलीग्राम में पहले ही मैसेज डाल दिया था कि प्राइस एक्शन के लिए आपको वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। और आप अगर मेरा 937 का मैसेज देखो टेलीग्राम में, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि बिग फॉल बिलो 14,500 इन निफ्टी फ्यूचर लेवल्स। और मैंने 959 को एक मैसेज दिया था 14,350 लेवल्स पॉसिबल इन निफ्टी टुडे, 31,200 लेवल पॉसिबल इन बैंक निफ्टी टुडे। उसके बाद अगर आप देखो, निफ्टी ने जो लो बनाया वो 14,374 तक बनाया। 14,350 का मेरा टारगेट था, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ है। और बैंक निफ्टी ने लो बनाया 31,450। बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, एक्सपायरी डे के दिन हम लोग 1 बजे के आसपास जो भी एक्सपायरी स्ट्रेटजी हम लोग ट्रेड करते हैं वो हम लोग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रिक्टली रूल हम लोग फॉलो करते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि 1 बजे के आसपास हम लोग एक्सपायरी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ करते हैं। ये हमारा स्ट्रिक्टली रूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया शॉर्ट करके, और सेकेंड हाफ में 1 बजे के आसपास हमने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। कुछ कॉल शॉर्ट ट्रेड्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 बजे हम लोगों ने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन अगर हम लोगों ने वो पोजीशंस को होल्ड किया होता तो डेफिनेटली हम लोग डे एंड पे लॉसेस में होते, क्योंकि काफ़ी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है सेकेंड हाफ में। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली जो ग्रीन कैंडल है इसका मिड पॉइंट के आसपास कहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। मिड पॉइंट आता है 31,500 के आसपास, यहाँ पर इसने कहीं पे सपोर्ट लिया। और इसने जो डेली चार्ट पे कैंडल फॉर्म किया, ये हैमर जैसा कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल होता है, बुलिश कैंडल होता है। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बुलिश होना है और अपसाइड मूवमेंट दिखाना है तो ये ग्रीन कैंडल का हाई इसको क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल का हाई है 32,300 के ऊपर अगर जाता है तो आप कल के सेशन में बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और 32,500 अगर क्रॉस कर लेता है तो एक 400-500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तक बैंक निफ्टी पॉसिबल है। 33,000 तक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है 400-500 पॉइंट की, तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। 32,300 के ऊपर आप बाइंग पोजिशंस बना सकते हो, 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का नॉलेज है तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान करना 33,000 तक के टारगेट के लिए। ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये कैंडल में ही मैंने मैसेज दे दिया था कि आज बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है, उसके बाद फॉल भी हुआ। मेरा टारगेट ये था 31,200-31,300 के आसपास, लेकिन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। ये वाला जो लेवल है इसी के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया 31,400। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पर टच हुआ, फिर फॉल आया, फिर वापस इसी लेवल के आसपास इसने टच किया, वापस फॉल में देखने को मिला। इसी लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट भी दिया था, तो 31,400 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और एक शार्प बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और वी शेप रैली हमें देखने को मिली है, वी शेप एक्सपायरी डे हमें देखने को मिला है। और सेकेंड हाफ में काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जितने भी शॉर्ट पोजीशंस थे वो सब ट्रैप हुए थे, और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। क्लोजिंग 32,000 के ऊपर हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब ये जो गैप फिलअप होना बाकी है, ये गैप फिलअप हो सकता है, हायर चांसेस है कल के दिन में हमें 32,900-33,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 32,300 के ऊपर आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाया फर्स्ट हाफ में, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट माइनस था। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट ऑब्जर्व करो तो इसने ट्यूजडे का लो नहीं तोड़ा, 14,310 के आसपास लो था, और इसने 14,370 का ही लो बना के वापस हमें रिकवरी देखने को मिली। इसने भी हैमर कैंडल बनाया डेली चार्ट पे, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अब ये कैंडल का हाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 14,615। सो अप्रॉक्सीमेटली 14,620 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी तो वापस हमें 100-150 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, और 14,700 और 14,850 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये टेस्ट हो सकता है। सो 14,800 तक निफ्टी जा सकता है, 14,620 के ऊपर अगर जाता है कल के सेशन में तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना 14,550 के आसपास, और 14,800 तक के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं।
और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का नॉलेज है तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान करना, क्योंकि जब आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना पड़ता, वोलेटिलिटी से आपको ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होता, आपका रिस्क प्रीडिफाइंड होता है, प्रॉफिट प्रीडिफाइंड होता है, और आप अगर अपने व्यू में राइट हो तो डेफिनेटली आपको पैसा आता है। और बेस्ट पार्ट ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी में गैप अप गैप डाउन रिस्क भी कवर होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करने का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आपको आता है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड प्लान करना, क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया कप पैटर्न। ये कप पैटर्न के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कप पैटर्न का वीडियो, और उसमें मैंने बताया भी है कि इसमें टारगेट कैसे सेट करना चाहिए। अब जो फर्स्ट टारगेट आता है वो ये टारगेट आता है 14,690 के आसपास यहाँ पर, और अगर ये लेवल भी क्रॉस कर लेता है तो ये पूरा गैप फिल हो सकता है और यहाँ तक निफ्टी जा सकता है 14,840 तक। तो 14,850 तक के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। पहला टारगेट होगा 14,700, सेकंड टारगेट होगा 14,850। 14,620 के लेवल के ऊपर आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और 14,550 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का नॉलेज नहीं है तो आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 2999 का कोर्स है, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और ये कोर्स में आपको बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखने मिलती है, प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कंसेप्ट सीखने मिलता है, और इसमें आपको सिनेरियो बनाने का टूल भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सिनेरियो भी बना सकते हो और ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको इसमें सीखने मिलती है विद कंडीशंस के साथ में, और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब कुछ इसमें डिटेल में कवर किया है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।